नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। मौसम के हवाले से बड़ी खबर आज देखने को मिल रही है, जहां पर 26 और 27 दिसंबर को भारी बारिश होने की चेतावनी जो है वो यहां पर जारी हुई है। कश्मीर घाटी में सर्दी का पूरी तरह से प्रकोप जारी कर दिया गया और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर घाटी में आज यहां हो सकती है बर्फबारी और जम्मू संभाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए मौसम के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग जताता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही आप ये भी देखिए कि जम्मू कश्मीर में जब मौसम ने करवट यहां बदली है तो किस तरह से सूरत हाल अब देखने को मिल सकते हैं। नए साल पर सैलानियों को बर्फबारी का लुत्फ मिलेगा और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सफेद चादर का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक अब यहां पर पहुंच सकते हैं। और हालांकि विश्व प्रसिद्ध जो कि गुलमर्ग है, गुलमर्ग के अंदर पूरी तरह से पर्यटक जो है वो पहुंच चुके हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से अगर देखा जाए तो 26 और 27 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर में यहां बारिश हो सकती है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। और अगले दिन भी 28 दिसंबर की अगर बात करें तो मौसम का मिजाज यहां पर बदला रहेगा। मौसम के हवाले से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर का मौसम जो है वो अब कहीं ना कहीं करवट बदलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली तस्वीर आपको पुंछ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मुगल रोड के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल और बारिश किस तरह से पुंछ के अंदर हो रही है। पूरी तरह मौसम जो है वो सर्द हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है। और दूसरी तस्वीर आपको किश्तवाड़ से दिखा रहे हैं, जहां पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है ठंड से बचने के लिए। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा ठंड बढ़ने की वजह से पर्यटक भी यहां लुत्फ उठाते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और बर्फबारी की अगर बात की जाए तो गुलमर्ग के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो देखी गई है कश्मीर के बाद। और पूरी तरह आपको यह भी दिखाते चले कि लगातार मौसम के हवाले से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर 28 दिसंबर को भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। और लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीनगर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर बाधित हो सकता है। यहां पर सड़कों पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आगामी मौसम खराब होने की वजह से संभागीय प्रशासन अब जम्मू कश्मीर को आपात प्रबंध करने की बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के कारण दिन में यहां ठंड काफी नहीं देखी गई थी, लेकिन जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से ये एक बड़ी सूचना यहां पर जारी की गई है, चेतावनी जारी की गई है कि 26 और 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश हो सकती है। तो इसी पर हम अपने संवाददाताओं के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि गुलमर्ग के अंदर की अगर बात करें, जो तस्वीर आपको तीसरी दिखाई जा रही है श्रीनगर की, वहां पर आप देखिए किस तरह से गुलमर्ग के सूरत हाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कश्मीर घाटी में सर्दी का प्रकोप बदस्तूर जारी है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और कश्मीर घाटी में आज यहां बर्फबारी हो सकती है और जम्मू संभाग के कुछ जगहों पर भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे कश्मीर का ही। कश्मीर से हमारे संवाददाता इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या कुछ अपडेट है मौसम के हवाले से? देखिए आशा, मैं बात करूं मौसम को लेकर तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से पेशेंटगोई की है और पेशेंटगोई जो है आज यानी आज 26 से लेकर 27 तारीख तक जो है इसमें मॉडरेट और एक्यूमुलेशन को लेकर मैं बात करूं स्नोफॉल के काफी ज्यादा चांसेस है। इवन हायर रेंजेस को लेकर बात की गई है जिसमें अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बताया जा रहा है कि 2 से 4 इंच के करीब जो है बर्फबारी हो सकती है। और आज ये प्रेडिक्शन लगाई गई है आफ्टरनून से लेकर कल शाम तक लगाई गई है और उसके बाद 10 दिन तक मौसम और खुशगवार होगा। मगर जिस तरीके से वादी कश्मीर के सर्दी और खासतौर पर ठंड को लेकर मैं बात करूं, रात भर मनफी दर्जे हरारत में भी नमी पाई गई है। क्योंकि पहले देखा जाए जब काफी ज्यादा बर्फबारी नहीं हो रही थी तो उसके बाद मनफी जो है काफी बढ़ चुका था, 6 तक पारा चला गया था श्रीनगर में। अब जबकि आज दर्जे हरारत जो है रात का वो -1 के करीब ही रहता है। मगर देखा जाए गुलमर्ग पहलगाम जो काफी ज्यादा हाई रीचेस पर एरियाज है वहां पर अभी भी मनफी 6 से लेकर 7 डिग्री तक दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह अगर देखा जाए घना कोहरा भी रहता है और आज भी डेंस फॉग है। और जो आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि मौसम को लेकर सर्दी में भी इजाफा दिख रहा है और आफ्टरनून के बाद जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है सोनम लोटस उन्होंने बताया कि आज स्नोफॉल के चांसेस मैदानी इलाकों में भी है। पिछले बारी भी ये प्रेडिक्शंस लगाई गई थी मगर इस बारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का असर जो है
वो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की पहाड़ी पर दिखना शुरू हो गया है और मथुरा अपर आलूद है। इरफान, ये बताइए कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं कश्मीर घाटी में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। बात अगर करें श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी को लेकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने पहले ही मीटिंग्स ली है और इसका जायजा लिया है कि अगर स्नोफॉल शहर में होती है या वादी में होती है तो उसके लिए मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल होगा और उसके लिए भरपूर तैयारियां भी की गई है। अब देखने वाली बात जरूर होगी जब अगर बर्फबारी शहर श्रीनगर में या मैदानी इलाकों में होती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरह के इकदाम होंगे, क्या वो खरे साबित होंगे, क्या वो सही साबित होंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इरफान, यहाँ पर बर्फबारी का अगर सिलसिला शुरू होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा कारोबारियों को होने वाला है, क्योंकि पर्यटन स्थलों का पूरी तरह से पर्यटक जो हैं वो अब रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से हैं सूरतेहाल कश्मीर में? आशा जी, अगर बात करें तो इस महीने में हमने देखा लगातार पर्यटन जो है वो हर एक स्टेट से कॉर्नर टू कॉर्नर इस वक्त कश्मीर में आ चुके हैं। और अगर मैं कारोबारी इदारों की लेकर बात करूं, जिसमें होटलियर्स है, जिसमें हाउस बोट वाला है, शिकारा वाला है, टैक्सी टूर एंड ऑपरेटर्स है, सबके पास इस वक्त अच्छा काम है और बुकिंग जो है तकरीबन मार्च एंडिंग तक है। अगर मैं गुलमर्ग की बात करूं, कल वहां पर क्रिसमस जो है सेलिब्रेट किया गया, वहां पर जो कैथलिक चर्च है वहां पर प्रेयर्स की गई, उसके बाद सेलिब्रेशन हुई और उसमें हमने देखा कि गैर मकामी सयाह जो बाहर से आए हैं वो भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और खास तौर पर इस मौसम में जबकि अब न्यू ईयर का भी एक अच्छा खासा चहल पहल जो है, रश जो है वो दिखने वाला है, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम को लेकर सोनमर्ग में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छे प्रोग्राम्स को इनाकाद करना है, मुनक्कद किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ अच्छी सेलिब्रेशन होगी जिससे टूरिज्म के साथ साथ उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा जो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्तगी रखते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले 2 सालों से जो वादी कश्मीर के हालात बने थे उसमें टूरिज्म को काफी ज्यादा झटका मिला था, क्योंकि कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जिसके बाद कार्निवल वहां पर शुरू हो चुका है, वो किस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, बात करें स्नो एक्टिविटीज को लेकर, जो खासतौर पे जो खेल होते हैं, खेल को लेकर जिस तरह से स्नो स्कूटी राइड होगी, स्लेजिंग राइड होगी, या खासतौर पे जो वहां पे स्कीइंग होगी, या जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे वो वहां पर दिखने वाले हैं, क्योंकि स्नो का सबका इंतजार है। और कल भी हमने देखा हल्की हल्की स्नो जो है बड़ा इलाकों पर हुई थी, मगर जो कार्निवल की अगर लेकर बात करें, उस कार्निवल में अच्छा खासा एक जश्न होगा, म्यूजिकल फेस्टिवल होगा, खासतौर पर लाइटिंग के अरेंजमेंट्स की गई है और इसके साथ साथ जो है फायर क्रैकर्स का वहां पर एक अच्छा खासा शो होगा जो लुत्फअंदोज करेगा सियाहों को, साथ ही साथ पर्यटक हैं वो काफी तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कश्मीर की सूरत हाल बता रहे थे इरफान, और पूरी तरह वो बता रहे हैं कि प्रशासन ने तो कमर कसी हुई है, लेकिन आज शाम तक भारी बर्फबारी यहां पर हो सकती है। किश्तवाड़ चलते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में भी मौसम की सूरत हाल आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि बर्फबारी की वजह से और साथ ही साथ ठंड की वजह से क्या कुछ वहां पर हालात हैं इस वक्त और प्रशासन ने कैसे यहां पर काम करना शुरू कर दिया है। किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से मौसम ने करवट बदल ली है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि 26 और 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, लेकिन किश्तवाड़ के अंदर क्या कुछ है हालात? लेकिन तापमान जो है वो गिर गया है, रात का तापमान 0 से नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सर्दी यहाँ पर भी शबाब पर है और लोगों ने अपनी तरफ से जो प्रबंध करने थे, जैसे जरूरी चीजें होती है उनकी स्टॉकिंग वगैरह वो कर दी है। यही इस कारण है कि क्योंकि बर्फबारी अगर नहीं होगी तो गर्मियों में दिक्कत होगी, यहाँ के जितने जलस्रोत हैं बर्फ के कारण जो ग्लेशियर बनते हैं वहीं से पानी आता है, वही यहाँ के लोग पीते हैं, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी का इंतजार बेशक हो रहा है, लेकिन सर्दी काफी है, ठंड काफी देखने को मिल रही है, जो आप कह सकते हैं कि आम जन जीवन जो है अजय, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये बताया गया था कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, बारिश का सिलसिला शुरू होगा, तो मैदानी इलाकों के अंदर तो सुविधाएं दी ही जाएंगी, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। क्या लगता है कि बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं? नहीं है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक राशन की स्टॉकिंग है, जैसे मरवा वारवन है वहाँ पर 6 महीने का राशन डंप किया जाता है, या पादक के इलाके है वहाँ पर राशन डंप किया जाता है, उन इलाकों में कई इलाके। फोन लाइन से आवाज उठा लीजिए अजय शान की, क्योंकि फोन से आवाज उनकी साफ आ रही है। अजय बताइए, अजय अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, देखिए
जिस तरह से मैदानी इलाकों में आवश्यक जो चीजें हैं वो स्टॉक रहता है, और जो दूर दराज के इलाके हमारे हैं जैसे पड़वा वारण और पार्डर के ऊपरी इलाके हैं, वहाँ 5 से 6 महीने का स्टॉक जो राशन है सरकारी राशन डिपो से जाता है वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसके कदम उठाए गए हैं। लेकिन जो बिजली की सप्लाई है उसको लेके अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन जो एलपीजी की सप्लाई है कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है और लोगों ने भी उस तरह से स्टार्टिंग कर दी है। चलिए, जो इंतजाम है लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, हालांकि प्रशासन ने भी कई एफर्ट्स लगाए हुए हैं, लेकिन लोग खुद भी लोगों तक ये सारे प्रशासन की तरफ से काम पहुंचाना बहुत जरूरी है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जितना हम अजय को सुन पाए हैं, तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन कोशिश की है कि अजय की पूरी आवाज को यहां पर सुना जाए, क्योंकि दूरदराज का इलाका है, किश्तवाड़ जिला है, और वहां से भी अपडेट लेना बहुत जरूरी था कि मौसम के हवाले से क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तो अजय ने साफ ये बताया है कि यहां बिजली की सप्लाई को पूरी तरह बहाल करने के लिए प्रशासन काम कर रहा है, और साथ ही साथ गैस को भी लेकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर रखी गई है। लेकिन स्टॉकिंग की अगर बात करें तो लोगों ने काफी स्टॉक अपने घरों के अंदर जमा कर लिया है। अब यहां प्रशासन को और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि अगर भारी बर्फबारी होती है जिसकी वजह से रास्ते बंद हो सकते हैं, फिसलन हो सकती है, तो उससे पहले ही आम जनता को यहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि 26 और 27 दिसंबर को अगर भारी बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को काम करने की काफी जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको पुंछ लिए चलेंगे, क्योंकि पुंछ से भी बड़ी अपडेट इस वक्त देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रेकिंग प्लेस चढ़ा दीजिए पुंछ की, क्योंकि लगातार आप देखिए पुंछ के अंदर सूरत हाल किस तरह से बने हुए हैं। जिला पुंछ में भी मौसम ने करवट बदल ली है, और बारिश के चलते सर्दी में भी बढ़ोतरी हो गई है, और मुगल रोड पर भी यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक बार फिर से पुंछ के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यातायात के लिए पुंछ के अंदर मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, और इससे पहले लोगों की पुरानी मांग रही है कि मुगल रोड को 12 महीने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से। लेकिन जैसे ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है या फिर बारिश का सिलसिला शुरू होता है, तो सबसे पहले मुगल रोड की यातायात के लायक जो सड़क है उसे बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का संपर्क कश्मीर घाटी से बिल्कुल टूट जाता है। जिला पुंछ में भी मौसम ने अब करवट बदल ली है, और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र जो कि श्रीनगर ने जिस तरह से यहां पर चेतावनी जारी की है, 26 और 27 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, और 28 दिसंबर को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहां तापमान की बात करें तो जम्मू हल्के में यहां बादलों के बीच का तापमान लगातार आप देखिए 20.2 रहा है, और बीती रात का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस यहां दर्ज किया गया। और संभाग के बनिहाल की अगर बात करें तो बनिहाल के अंदर बीती रात का न्यूनतम तापमान 3.0 और बटोत में 1.7, कटरा में 7.2 और भद्रवा में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी भद्रवा के अंदर सबसे ज्यादा जम्मू संभाग में ठंड देखी जा रही है, और मौसम ने अगर करवट बदली तो जाहिर तौर पर और ज्यादा यहां पर स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। उसके साथ ही अगर हम लेह की बात करें तो बीती रात से ही न्यूनतम तापमान -10.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है, और कारगिल के अंदर -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और उसके साथ ही आप देखिए लगातार जिस तरह से गुलमर्ग के अंदर तो लोग यहां पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जम्मू संभाग में सूरत हाल क्या है, क्योंकि पुंछ की बात हो रही है तो पुंछ के अंदर इस वक्त आप देखिए भारी बारिश जो है वो देखी गई है। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ है हालात, क्योंकि बारिश वहां पर हो रही है? जी गुरुजी, बीती रात से ही पुंछ में बारिश जो है वो बड़ी तेज हो रही है, और बारिश के चलते काफी कड़ाके की ठंड जो है वो भी देखी जा रही है। उसके बाद मंडी लोरन का जो इलाका है वहां पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फबारी जो है वो हो रही है। उसके अलावा मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पिछले 3-4 दिन से ही मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन इलाकों में जो बर्फबारी है वो बहुत ज्यादा होती है, और जब बर्फबारी होती है तो ज्योरी पुंछ के जो लोग हैं वो मुगल रोड की ओर चले जाते हैं, इसलिए मुगल रोड को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अभी तक जो पुंछ की बात बताएं तो पुंछ में भी थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है बीती रात से ही। यहां पर अपडेट ये भी थी कि 12 महीने के लिए पुंछ में मुगल रोड को खोला जाएगा, लोगों की ये पुरानी मांग रही है, क्या लगता है कि प्रशासन को इस पर कितनी जल्दी काम करने की जरूरत थी? क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने पर मुगल रोड बंद, बर्फबारी होने पर मुगल रोड बंद, जिसकी वजह से लोगों का कनेक्ट यहां पर होना पूरी तरह से बाधित हो जाता है, कनेक्शन कश्मीर घाटी से टूट जाता है। जी बिल्कुल,
कई सरकारें आई और कई चली गई, दावे तो करते रहे कि मुगल रोड पे टेंडर बनाए जाएंगे, मुगल रोड को 12 महीनों के लिए खोल दिया जाएगा, पर ऐसा अभी तक नहीं देखने को आया है। लोगों की तरफ से भी कई बार प्रशासन को और जो भी मिनिस्टर पुंछ में आते रहे उनसे बातचीत लोगों की होती रही, पर अभी तक उस पर कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया है। मुगल रोड 6 महीनों के लिए बंद हो जाती है, उससे हमारे पुंछ रजौरी के जो ज्यादातर मजदूर तबका के लोग हैं जो कश्मीर में जाकर काम काज करते थे उनको भी काफी परेशानी आती है, और ज्यादातर हमें पुंछ के लोगों को ये परेशानी आती है कि मुगल रोड से जो फ्रूट हमारे लिए पुंछ या रजौरी में आता था वो गाड़ियां जो है 6 महीनों के लिए बंद हो जाती हैं, उससे भी काफी दिक्कत आती है। और अभी जब मुगल रोड को बंद कर दिया गया है तो क्या लगता है कि कब तक उसे खोल दिया जाएगा? किसी आला अधिकारी की तरफ से या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है कि कब तक खोला जाएगा मुगल रोड को? गुरुजी, 2-3 दिन में ही मुगल रोड में जो है रोड को साफ करने का जो काम था वो शुरू हो चुका था, पर बीती रात जो बर्फबारी हुई है उससे फिर से जो है मुगल रोड को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। अब ऐसा नहीं लगता कि 1-2 महीनों के अंदर ही मुगल रोड को खोला जाए, ये नामुमकिन ऐसा लग रहा है कि अब जनवरी फरवरी के बाद ही मुगल रोड जो है वो खुल पाएगी। क्या बर्फ को हटाने के लिए कोई प्रशासनिक अमला वहां पर काम करता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, मशीनरी वहां पर लगाई गई? बिल्कुल बिल्कुल, मशीनरी वहां पे लगाई गई है। कल हमारे पास जो तस्वीरें आई थी उनमें साफ ये दिखाया जा रहा था कि मुगल रोड को साफ करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, पर बीती रात जो बर्फबारी हुई है उससे फिर से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। ऐसा लग रहा है कि अब 1-2 महीने सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि मशीनरी को तो लगाया गया है काम पर, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं लग पा रहा है कि मुगल रोड पर यातायात को बहाल किया जा सकता है बहुत ही जल्दी। समय लग सकता है, क्योंकि लगातार मुगल रोड की अगर बात करें तो हर बार इसी तरह से सूरतेहाल वहां पर देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी बर्फबारी होने पर मुगल रोड को बंद कर दिया जाता है और यातायात यहां पर बाधित हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी यहां गौर फरमाने की जरूरत है कि हर 6 महीने के बाद इसी तरह से हालात जो है वो मुगल रोड पर बन जाते हैं, जहां पर पुंछ जिले की जनता ये बड़ी मांग सामने रखती हुई नजर आई थी कि 12 महीने के लिए इसे चलने काबिल बनाया जाए, चलने के लिए यहां पर रखा जाए। लेकिन कई सरकारें आई हैं और कई चली गई, कईयों ने यहां पर काम करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके साथ ही आम जनता को इसका लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आया। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलते हैं इनकाउंटर के हवाले से खबर की ओर, क्योंकि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में 24 घंटे में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई अशरफ अहमद की हत्या में शामिल यहां आईएसजेके के आतंकी रफीक अहमद व एक आईडी विशेषज्ञ समेत 5 आतंकियों को मार गिराया है। शोपिया में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा और पुलवामा के त्राल में मारे गए दोनों आईडी एक्सपर्ट अंसार गजावतुल हिंद के आतंकी थे, और मारे गए इन आतंकियों के कब्जे से पुलिस ने 4 एके राइफले, 4 एके मैगजीन और 32 कारतूस बरामद किए हैं। और पुलिस के अनुसार देर रात तक एक सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में खुशरोई कला में तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें देर रात आतंकी संगठन आईएसजेके का आतंकी रफीक अहमद मारा गया, और पुलिस के मुताबिक यहां रफीक 22 दिसंबर को एएसआई अशरफ अहमद की हत्या में शामिल था। तो परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट में अखनूर के विधानसभा सीट बढ़ाने की सिफारिश न करने पर अखनूर वासियों में भारी रोष देखा गया है। परिसीमन आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए अखनूर वासियों का आरोप है कि क्षेत्र और जनसभा के हिसाब से अखनूर की 2 विधानसभा सीटें होनी चाहिए ताकि अखनूर और यहां के लोगों का विकास हो सके, लेकिन सरकार द्वारा हर बार अखनूर को नजरअंदाज किया जाता रहा। और इन लोगों का यह भी आरोप है कि पिछले कई वर्षों से यहां के लोग जिले की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहां के लोगों की इस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनकी दोनों मांगों में से एक को भी नहीं माना तो अखनूर के लोग इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी मेद ही लोगों इस बारे से जी ने दुए कक्षे से जी अखनूर एक छंब है दुए काफ़ी एरिए फैली है और पहाड़ी क्षेत्र है, इस वास्ते चाहिए कि किसी जी और बदनी चाहिए, बड़ी मेद भी आई लेकिन नाबेदी दिखी है बड़ी खोज पी है, पर आखिर दूर की नज़र लाई कि जा सकता
लेकिन अगर जी चलो तो अच्छी नहीं बधाई है। अखनूर जो काफी देर तो लोगों की डिमांड है इसी जिला जम्मू अखनूर डिस्ट्रिक्ट बनाया जा और डिस्ट्रिक्ट भी रोकया गया। 96 मई दी के सांबे को पहला यह डिस्ट्रिक्ट बनना, लेकिन सांबा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जेडे वो बनी है। अखनूर वाला फिर भी रही है, समझ नहीं आती है कि पलाया बोर्ड का जी सीट ही उत्थे भी है। साड़ा अखनूर का जरा बोर्ड इन्ना दुआ ज्यादा और पहाड़ी खेत्र दूर दराज है, सब तो लम्मा चौड़ा जरा एरिया है। इस एरिए त्रै सीटा जड़िया बड़ी लाजमी है, दो MLA बनते दोनों सीटें जा थोड़ा जहा लोड जरा कदा लोगों के काम काज जड़े उनके लोगों की सड़ाई होंगी दूर दूर को लोग बचते, लेकिन कोई समझ नहीं आई ये इसी इन्हें इस उम्मीद की नामेदी कि बदली उड़िया और अगे उम्मीद रखने कि अगर जे नहीं किया जा तो जल्दी तो जल्दी जरा अखनूर की डिस्ट्रिक्ट जरा लॉन्च किया जा। अगर अखनूर की जिला घोषित नहीं किया गया तो बड़ी जबरदस्त नाराजगी होगी और उस नाराजगी की जी है झेलना उस वेल्ला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पार्टी वर्कर जोड़े वो ये ज़्यादा देर नाराजगी का साथ महसूस करा दे भाई आखिर वो वाला क्या सा बड़ी उम्मीद ही भाई दो सीटा जी त्रै बन दिया दौ दिया लेकिन दौ दिया दो गए रही जी अगे को लागे जी कोई गल रही है लोगों की पुजी जी है अगे तक पुजती है। बाकी जरा हम असें साढ़े अखनूर वास बड़ा सोचे हाँ कि जेडे अपने दो सीटा बनियां साढ़े अखनूर कॉन्स्टिटेंसी दियां लेकिन नहीं बन सकियां, लोग बड़े रोश लोगों से लेकिन दो सीटा जरूरी ही कि वो डिवेलपमेंट होंगी ही, लेकिन पता नहीं किस वजह का ये गल रही साढ़े अखनूर कॉन्स्टिटेंसी ना कुछ लीडर बोली नहीं सके इस मुद्दे पर। मी लगता कि साढ़े लीडर बोलना चाहिए अगे तक गल बजानी चाहिए ही लेकिन नहीं बोली सके। चलो कन्ने ये है कि अगर दो कॉन्स्टिटेंसी नहीं बन सकती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बननी चाहिए साड़ी अखनूर कॉन्स्टिटेंसी बड़ा बड़ा एरिया है कि निका एरिया नहीं है वो डिवेलपमेंट ज़्यादा होगी कि जड़े सू सारे लोगों अख जम्मू जाना पौंदा कोई काम अखनूर बनने दफ्तर वैसे भी डिवेलपमेंट बड़ी होनी रोजगार भी बड़े आने हैं। हमारे जो तहसील है या तहसील नहीं है इसका अगर देखे जाए तो एरिया के हिसाब से या पब्लिक हिसाब से डिवेलपमेंट के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ना तो ये डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट बनता है और उसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं इसको एक सीट भी बढ़ती है तो इन्होंने बढ़ाना चाहिए। लेकिन शर्मा जी हमें तो मालूम नहीं इन्होंने ये जो आए थे क्या बोलते हैं इसको बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उन्होंने कौन कौन से तत्व लिए कौन कौन से एरिया लिए किस हिसाब से लिए ये वही जान सकते हैं। लेकिन इसमें बदकिस्मती है हमारी बड़ी कि हमारे तहसील को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए था और दूसरा यह है कि इसको एक एक्स्ट्रा सीट जो थी वो मिलनी चाहिए थी। तो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि चलो आपने इसको तहसील अखनूर को आपने एक एक्स्ट्रा सीट नहीं दी है लेकिन इसको कम से कम डिस्ट्रिक्ट घोषित करें, इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने की पूरी कोशिश। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।